गगन हाय हाय। जो 1 लाख रुपए टैक्स है वो 5 लाख हो गया, उसका कोई रीजन तो दीजिए। हमारे फादर की डेथ 2011 में हो गई थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ से फाइनल गैप करके दूसरों के नाम में मकान चला दिया है हमारा। कोर्ट जाना पड़े, कंटेंट आप कोर्ट नगर निगम पे कराएंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जिन्होंने ये हठधर्मता से काम किया। खाली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे मार्केट बंद कराना पड़े या धरना प्रदर्शन और करना पड़े। आदाब नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के स्मार्ट सिटी बरेली में हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि लोग धरने पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है कोई बड़ा मामला होगा। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व शहर प्रत्याशी राजेश अग्रवाल हैं, सभासद भी हैं लंबे समय से, और एक बड़ा मामला इन्होंने उठाया है नगर निगम में, उससे लोग वाकई परेशान हैं। टैक्स को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हैं, आवाज़ उठ रही है, कुछ हद तक उसका असर भी दिखाई दिया है, लेकिन जितना असर हुआ है उससे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं और आज धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला क्या है, किस तरह की दिक्कतें हैं और ये लोग क्या चाहते हैं, हम बात करते हैं। राजेश जी, टैक्स एक ऐसा मुद्दा है शहर में, तो ये लंबे वक्त से समस्याएँ लोगों की बनी हुई हैं, अभी जो आप आए हैं तो अभी क्या दिक्कत हुई है? देखिए, पहले जो समस्याएँ थी हम लोगों ने उसे लड़के ख़त्म करा दिया, 3 साल पहले भी लड़ चुके हैं। वर्तमान में नगर निगम बोर्ड के बिना, नगर निगम कार्यकारिणी के बिना GIS सर्वे कराए गए और उसके अंतर्गत लोगों के एक घर की 3-4 ID बना दी, मतलब 3-4 बिल बना दिए। और अगर 3000 का टैक्स देता था, उसका घर आवासीय था तो उसे व्यावसायिक भी कर दिया है, उसका टैक्स हो सकता है 30,000 कर दिया हो, 6,000 कर दिया हो सकता है 5 लाख कर दिया हो। और हम लोगों के पिछले साल के जो बिल जमा हैं या जिन्होंने पैसे भले ही ना जमा किए हों, उस पर ब्याज पड़ गया है, उस पर एरियर निकाल दिए मोटे मोटे। जो गलती इस साल उन्होंने करी है वही एरियर पिछले साल के लिए निकाल दिया, जबकि हम लोग चुनाव लड़े थे, नो ड्यूज लाए थे। इसके अतिरिक्त वर्षों से हर नगर निगम अधिनियम के तहत हमें छूट देता है स्वयं निवास करने पे, वो छूट 15% से 40% की श्रेणी में है, वो छूट समाप्त कर दी। नगर निगम में GIS सर्वे के उपरांत कोई कर निर्धारण सूची नहीं बनी, वार्ड वाइज क्षेत्र वाइज टेबल पे होनी चाहिए थी, और जो पुराने करदाता थे उनको उस श्रेणी में नहीं लाना चाहिए था, लेकिन उनका नाम रजिस्ट्रेशन उस सूची में होना चाहिए था, ये बात सच है, लेकिन वो उन पर टैक्स नहीं थोपना चाहिए था। नए जो करदाता छूट गए उन्हें चिन्हित करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। GIS सर्वे उनकी सुविधा के लिए हो सकता है, लेकिन वो ऑथेंटिक सर्वे नहीं है, हाई कोर्ट ने उसे बैन लगा दिया है और मुझ पर जजमेंट है हाई कोर्ट का। मैं आज तो शनिवार में शायद ना जा पाऊँ धरने में और ज्ञापन में हूँ, DM साहब से भी ये बात कहूँगा, लेकिन मैं नगर आयुक्त महोदय के पास उस दिन 1.5 घंटे बैठा था, अब महापौर पे बैठे थे, हमने चर्चा की थी, आज के बाद सोमवार को हम फिर जाएंगे और हम दिखाएंगे कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो चीज़ बैन है, आगरा ने बैन कर दी, फिरोजाबाद ने बैन कर दी, मुरादाबाद ने बैन कर दी, वो बरेली में क्यों लागू है? हम इस सर्वे को बंद कराएंगे। क्या ज़रूरत पड़ी कि आज बारिश में आपको धरना देना पड़ रहा है? देखिए, हम नगर निगम के सदस्य हैं, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन हमने आज तक नगर निगम में कोई भी नया कानून आते हुए डायरेक्ट नगर आयुक्त के द्वारा, डायरेक्ट मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा आते नहीं देखा। जब वो आया तब हमें विरोध करना पड़ा, उन्होंने कहा ये बोर्ड की पावर का नहीं है, उन्होंने हमें ज्ञान दिया मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने, ये बोर्ड की पावर का नहीं है, क्योंकि जनता के संग दिक्कत है, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, हर उस आदमी की जो विधायक है या नहीं है या जो सभासद है या नहीं है, जनप्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेदारी है जनता की आवाज़ उठाना, जनता को एकजुट करना। वहाँ पर जाके गर्मी में जनता बेहोश हो रही थी, मारपीट हो रही थी, अभद्र व्यवहार हो रहा था, इसलिए हमें ये धरने करना पड़ा ताकि जनता हमारे साथ जुड़े और हम इस काले कानून को कानूनन रूप से और जनता के द्वारा समाप्त करा सकें। कहाँ तक लेके जाएंगे इस लड़ाई को? इस लड़ाई को हम कोर्ट जाना पड़े, कंटेंट आप कोर्ट नगर निगम पे कराएंगे, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे जिन्होंने ये हठधर्मता से काम किया और कानून के तहत उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, हम उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई कराएंगे।
आपका क्या नाम? मैं जफर शमशी, कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। मेरा ये कहना है, ये जो GI सर्वे हुआ है ये बिल्कुल गलत है, त्रुटिपूर्ण है, इसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो 2023 में 24 में बिल आए थे वही बिल भेजना चाहिए दोबारा, इसको रद्द करना चाहिए। जो नए भवन जोड़े गए हैं टैक्स के दायरे में आए हैं उन पर टैक्स लगा देना है। बाकी जो सारे बिल्स हैं वो जो पुराने रेट 2023 और 24 के चल रहे थे उन पर लाना चाहिए। राजीव कुमार अग्रवाल। राजीव जी, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है, हमारी फाइलें नगर निगम से गायब कर दी गई हैं। और सही, हमारे फादर की डेथ 2011 में हो गई थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ से फाइलें गायब करके दूसरों के नाम में मकान चढ़ा दिया है। हमारा RTI हमने डाली, उसमें भी उन्होंने जवाब नहीं दिया हमें। किस से मिल चुके हैं? सबसे मिल के आते हैं वहाँ पे, कोई जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं हमने चढ़ा दिया बस, आप घर बैठिए अपने आराम से। सबसे परेशान 2011 से इन्होंने एक एक घर की कई कई ID बना के टैक्स लगा दिए हैं, जिससे हम खुद परेशान हैं। राजेश जी से भी हमने शिकायत करवाई लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ। आगे चल के हम सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन से शायद कुछ काम बन जाए हमारा, तो अच्छा है। और ये इन्होंने हाईकोर्ट के नियम के विरुद्ध कंटेम्प्ट करा है, उसकी भी हम जांच कराएंगे। बारिश में ये लोग धरने पर बैठे हैं और सभी तरह के लोग हैं, अभी सीनियर सिटीजन भी हैं और भी बहुत से लोग हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्या नाम है? नवेद बेग। ये हम ये चाहते हैं जो नगर निगम ने जो भी उल्टे सीधे टैक्स थोपे हैं हमारे सब पे, वो सब हटाने चाहिए, इससे निजात मिलनी चाहिए। इसलिए हम हर लड़ाई में, और हमारे तो हर एक नागरिक का, हर एक आम आदमी का, हर एक सरमायादार का और एक मामूली से मामूली आदमी का मुद्दा है, क्योंकि हर आदमी टैक्स देता है सरकार को। और नगर निगम इसको ठीक करे, वरना ये जहाँ तक लड़ाई जाएगी हम लोग वहाँ तक जाने को इसको तैयार हैं। मेरा नाम संजय आनंद है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच से मैं महामंत्री हूँ शहर का। टैक्स की लड़ाई हम 2013-14 में पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन वो लड़ाई इतनी ज़बरदस्त नहीं थी जितनी ज़बरदस्त अब हो गई है। इतना बढ़ा हुआ टैक्स जो पब्लिक के ऊपर अनजाने में ठोक दिया गया, जिसकी जानकारी जनता को है ही नहीं। हम लोग चूंकि अवेयर हैं, संगठनों से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है, और साथ में हमारे पार्षद राजेश अग्रवाल जी भी हैं, तो इस लड़ाई को हम जनता की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे हैं और आखिर तक हम इस लड़ाई के अंजाम तक लेके जाएंगे। और तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक कि इस टैक्स को समाप्त ना करा दें। आपने जब ये बात नगर निगम में नगर आयुक्त है, महापौर हैं, उन तक रखी, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप अपना नाप, अपने क्षेत्रफल का नाप जो है हमें दाखिल करिए और उसकी रजिस्ट्री की कॉपी दाखिल करिए, हमारा आदमी आएगा उसे चेक करेगा, उसके बाद हम उसको देखेंगे कि वो सही या नहीं है। एक साथ 2.5 लाख लोगों के ऊपर कर निर्धारण कर दिया गया है, तो 2.5 लाख लोगों को क्या कितने समय में वो निपटाएंगे और कब तक करदाता बैठा रहेगा कि मैं अपना कर मुझे जमा करना है? ऐसे तो वो कोई 2-3 साल जो है अपना टैक्स नहीं जमा कर पाएगा, और वो 2-3 साल में हम किस स्थिति में पहुंचेंगे, किसी की क्षमता है उतना रुपया जमा कराने की या नहीं कराने की? इसलिए इस लड़ाई को हमें बहुत जल्द से जल्द ख़त्म कराना है और इसका फैसला कराना है। एक तो 2023-24 का जो उन्होंने हमारे ऊपर रेवेन्यू लगाया है, बकाया लगाया है, वो हटना ही चाहिए, क्योंकि उस समय 10% छूट देकर इन्होंने हमसे टैक्स जमा कराया था, फिर उस पर उन्होंने एरियर क्यों निकाल दिया, वो तो फाइनल हो चुका था। अब 2024-25 में जो टैक्स लगाया है वो पहले से 5 गुना लगा दिया, उसकी दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। मजे की बात ये है कि हमने टैक्स को रिवाइज नहीं करा, उसकी दरें नहीं बढ़ाई करी, तो क्या बिल्डिंग खड़े खड़े बढ़ती चली जा रही है अपने आप, जिसका टैक्स 1 से 5 गुना तक हो गया, जो 1 लाख रुपये टैक्स है वो 5 लाख हो गया, उसका कोई रीज़न तो दीजिए। या तो आप कहते हैं हमने रिवाइज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया है, वो भी बढ़ाया नहीं, और ये सिर्फ बरेली में ही हो रहा है और किसी शहर में नहीं हो UP के। आपका क्या नाम? मैं सैयद गौहर अली, महानगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच। जो टैक्स लगाया है ये बिल्कुल गलत तरीके से लगाया है, 2.5 लाख जनता जो है इससे त्रस्त हो रही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंच ने हमेशा इसकी लड़ाई लड़ी है, चाहे बिजली का हो या नगर निगम का हो, राजेश अग्रवाल जी के साथ पूरा व्यापार मंडल खड़ा हुआ है और इस लड़ाई को पूरी तरीके से हम लड़ेंगे आखिर तक, चाहे बाजार। ये विरोध करा है नगर निगम का, काले कानून का विरोध कर रहे हैं, काले कानून का विरोध, हाँ, काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, चाहे
मार्केट बंद कराना पड़े या धरना प्रदर्शन और करना पड़े, चाहे पुतला फूंकना पड़े, पूरी तरीके से राजेश अग्रवाल जी के साथ सारे व्यापारी साथ में खड़े होते हैं। ट्रेड यूनियन इसको समर्थन कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, हमारा मानना है जब उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे व्यापार मंडल हो, आम आदमी हो, जब उस पर मार पड़ती है उसके अंदर का आक्रोश, उसके अंदर का गुस्सा जाग जाता है। वही आज आप देख रहे हैं कि सब बारिश के बाद इतने लोग यहाँ बैठे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। में लड़ाई जहां तक जाएगी साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा अगले कार्यक्रम तैयार है, पर्चा छपने जा चुका है, शहर में घूम घूम के पर्चा बांटेंगे और नगर निगम के खिलाफ हम अपना आक्रोश जाहिर करेंगे। राजेश अग्रवाल के साथ इस धरने में तमाम व्यापारी नेता भी आए हैं और सबका कहना है कि लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी, ये बहुत दूर तक जाएगी। अब देखना होगा कि नगर निगम जिस तरह से धरना हुआ है और आगे इसके बाद भी बहुत कुछ होगा तो क्या फैसला लेता है।